तारा सिंह अपने गांव में ठेले पर आलू पराठे बेचा करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म शुद्ध डालडा घी के पराठे खाइए। मीरगंज का आलू है किशनगंज का आटा, स्वाद लेकर देखिए तारा का पराठा। तारा के ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तारा और श्वेता आलू पराठों को बेचकर ही काफी अच्छी कमाई कर लेते थे। उनकी बेटी मीना गांव के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन रात को जब तारा का परिवार सो रहा था, तो अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तारा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई आकाश खड़ा है। क्या हुआ आकाश, इतनी रात को कैसे आना हुआ? तारा भाई, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप 1500 रुपए देकर मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बस 5 मिनट रुको, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अभी तुम पैसे लौटाने की नहीं बल्कि अपनी बीवी के स्वास्थ्य की चिंता करो। तारा का चचेरा भाई आकाश तारा से बहुत जलता था, लेकिन मदद मांगने भी हमेशा उसी के पास आता था। डॉक्टर के घर जाते ही आकाश अपना गुस्सा अपनी पत्नी माधुरी पर उतारने लगा। आज तुम्हारी वजह से मुझे फिर उस घमंडी तारा के पास जाना पड़ा। अगर तुम बीमार ना होती तो मुझे आज तारा के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तुम तारा भैया के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो जरा भी घमंडी नहीं है, और आज मैं बीमार हो गई तो तुम इतना चिल्ला रहे हो जैसे उनसे पैसे मांगने जाते ही नहीं। तारा भैया ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें पैसे दिए हैं, और तुमने उनके पैसे आज तक लौटाए भी नहीं, फिर भी वो तुमसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें अपने भैया और भाभी का सम्मान करना चाहिए। वो मुंह से भले ही कुछ ना कहता हो, लेकिन अपनी अमीरी के दिखावे से तो हमारी बेइज्जती करता ही है ना। वो अमीर है, लेकिन वो अमीरी का दिखावा करते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम गरीब हो इसीलिए उनकी अमीरी तुम्हें चिढ़ाती है। तुम मेहनत से किसी एक जगह पर काम क्यों नहीं करते? अगर भगवान चाहेंगे तो तुम भी किसी दिन अमीर बन जाओगे। आकाश जहाँ भी नौकरी करता वहाँ चिड़चिड़ा रहता। वो मन से कभी काम नहीं करता था। वो कोई भी नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं कर पाता। एक दिन आकाश मुंह लटका कर घर पहुँचा तो माधुरी उससे बोली, लगता है आज फिर तुम्हारी नौकरी छूट गई। मेरी मानो तो तुम तारा भैया के पास चले जाओ, वो तुम्हें अपने आलू के पराठे के ठेले पर जरूर कोई काम दे देंगे। तारा मुझे काम पर कभी नहीं रखेगा। तुम एक बार उनके पास जाओ तो सही। आकाश तारा के पास पहुँचा। आओ आओ आकाश, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। अगर भूख लग रही हो तो आलू के पराठे खा लो, तुम्हारी भाभी ने बहुत प्यार से बनाए हैं। मेरी नौकरी छूट गई है इसीलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? ठेले का काम तो मैं और श्वेता संभाल लेते हैं, लेकिन अगर तुम भी हमारे साथ काम करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है, हमारे ग्राहकों को खड़े रहना पड़ता है। अगर रेस्टोरेंट होगा तो ग्राहक आराम से बैठकर पराठों का मजा ले सकेंगे। उस दिन आकाश बहुत गुस्से में घर पहुँचा। क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या काम नहीं मिला? काम तो मिला, लेकिन मेरी वजह से अब वो तारा और अमीर बनेगा। मेरे वहाँ जाते ही उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। तो इसमें बुरा क्या है, आपको भी तो पैसे मिलेंगे। तुम मुझे मत बताओ कि अच्छा और बुरा क्या है। आकाश तारा के साथ काम करने लगा। तारा आकाश को रोजाना 500 रुपए देता था, लेकिन आकाश की नजर तारा की कमाई पर रहती। खुद तो इसने नोटों का ढेर लगा लिया है और मुझे सिर्फ 500 रुपए थमा देता है। मेहनत सब मैं करता हूँ और गुलाब जामुन ये दोनों खाते हैं, कुछ करना पड़ेगा। तारा के रेस्टोरेंट में मंगल सिंह नाम का एक शुद्ध शाकाहारी ग्राहक आता है। वो तारा का पुराना ग्राहक था। आओ आओ मंगल भाई, बैठो, मैं अभी आपके लिए पराठे लगवा देता हूँ। अरे आकाश, जरा मंगल भाई के लिए प्लेट लगा दो। आकाश ने चुपके से मंगल सिंह के पराठों में नॉन वेज के कुछ टुकड़े डाल दिए। मंगल ने पराठे खाए तो उसे पता चल गया कि पराठों में नॉन वेज है। मंगल सिंह भड़क उठा। आलू के पराठे में नॉन वेज कैसे आ गया? मंगल सिंह के साथ अमंगल? मुझे नहीं पता,
मैं तो सिर्फ पराठे ग्राहकों तक पहुंचाता हूं। पराठे बनाने का काम तो तारा भैया और श्वेता भाभी करते हैं। क्या रे तारा, तूने पराठे में नॉनवेज मिलाकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं तेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर तुझे गांव से बाहर निकलवाऊंगा। मंगल सिंह गांव का अमीर आदमी था। उसने गांव के प्रधान से बात करके तारा के परिवार को गांव से बाहर निकलवा दिया। आज तो मजा आ गया। अब मैं गांव में अपने आलू पराठे बेचूंगा और खूब धन कमाऊंगा। आकाश ने गांव में आलू पराठों का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उधर तारा, श्वेता और उनकी बेटी जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहे थे। तारा का परिवार बहुत थका हुआ था। श्वेता जोर जोर से रोने लगी। रो मत श्वेता, आज हमारे भाग्य में दुख लिखा है, कल सुख भी आएगा। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे कोई काम धंधा शुरू करेंगे? हम तो अपना घर भी बेच चुके। हमें आगे बढ़ते रहना होगा जब तक हम किसी गांव में नहीं पहुँच जाते। तारा का परिवार जंगल में रास्ता भटक गया। ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है हम भटक गए हैं। अचानक उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। तीनों पानी की आवाज का पीछा करते करते एक नदी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि नदी में आलू के पराठे तैर रहे हैं। तारा ने नदी का पानी पिया और पराठा खाकर देखा। ये तो चमत्कार हो गया। नदी का पानी ठंडा है और पराठे गरम। यहाँ पर तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। लगता है ये नदी सबसे पहले हमने ही खोजी है। हमारे पास धंधा शुरू करने के लिए लागत नहीं है। अगर हम इन्हीं पराठों को बेच पाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक कहा, अब हमें बस एक गांव की तलाश है। कई किलोमीटर चलने के बाद वे बेसनपुर नाम के एक गांव में पहुंच गए। शुरुआत में उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा। तारा रोज अंधेरे ही पराठों की नदी पर चला जाता और ढेर सारे पराठे ले आता। फिर वो उन्हें गांव में बेचता। नदी के पराठों की विशेषता ये थी कि वो कभी भी खराब नहीं होते थे। धीरे धीरे तारा की आर्थिक हालत सुधरती गई और उसने एक मकान खरीद लिया। उधर आकाश भी अब गरीब नहीं रह गया था। उसने पराठे बेच बेच कर मोटरसाइकिल खरीद ली थी। आज गांव के एक आदमी ने मुझे बताया कि तारा और श्वेता बेसनपुर गांव में हैं। कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उन गरीबों को अपनी मोटरसाइकिल दिखाकर चिढ़ाऊंगा। अगले दिन आकाश बेसनपुर गांव पहुंचा। उसने एक आदमी से पूछा, सुनो भाई, यहाँ तारा का घर कौन सा है? तारा आलू पराठे वाले का घर वो सामने है। आकाश ने जब देखा कि तारा बड़े मकान में रह रहा है तो उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वो तारा के घर पहुंचा। अरे आकाश, इतने सालों बाद तुम मिलने आए। हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। और बताओ, घर पर सब कुशल मंगल तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। तारा भाई, आप इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? तुम घर के आदमी हो इसलिए तुम्हें बता देता हूँ। दरअसल हमें एक आलू पराठों की नदी मिल गई है। उस नदी से मैं पराठे यहाँ गांव में ले आता हूँ और गांव में मैंने 4 रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। उनमें मैं पराठे बेचता हूँ। क्या आप मुझे वो नदी दिखा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ चलो। तारा आकाश को पराठों की नदी पर ले गया। ये तो सच में चमत्कार है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नदी के पराठे कितने दिन भी रखे रहें खराब नहीं होते। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस नदी से पराठे ले जाकर अपने गांव में बेच सकते हो। आकाश अपने घर लौट आया। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या तारा भाई से मुलाकात नहीं हो पाई? तुम चुप रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। तारा को आलू पराठों की जादुई नदी मिल गई। मैंने यहाँ पागलों की तरह मेहनत की और लागत लगाकर थोड़ा प्रॉफिट कमाया। उधर तारा ने तो कोई मेहनत नहीं की और बिना लागत के सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया। इसीलिए वो मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। तारा भैया से जलने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी उस नदी से पराठे ला सकते हो। क्या तारा भैया ने तुम्हें वहाँ से पराठे लाने के लिए मना किया है? नहीं, मना तो नहीं किया है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द तारा से अमीर बनना है। तारा ने 4 रेस्टोरेंट खोले हैं तो मैं 10 खोलूंगा। सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी खोलूंगा और हर रेस्टोरेंट पर पराठों की सप्लाई करूंगा। अगले दिन आकाश तारा के पास पहुँच कर बोला, तारा भैया, मैं पराठों की नदी में एक बांध बनाऊंगा। बहती हुई नदी में सारे पराठे बह जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल है।
मैं बांध बनाकर पानी रोक दूंगा और ढेर सारे पराठे इकट्ठे कर लूंगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, नदी का पानी स्वाभाविक रूप से बहता रहे तभी अच्छा है, बांध बनाने की कोई जरूरत नहीं। और तुम बांध बनाओगे कैसे? मैं अकेले ही बांध बनाऊंगा। आकाश ने तारा की एक नहीं सुनी और उसने नदी पर एक हैवी डैम बना दिया। आकाश पराठे इकट्ठे करने लगा। एक दिन जब आकाश नदी से पराठे इकट्ठे कर रहा था तो नदी का बांध बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से फट गया और आकाश नदी में बह गया। फिर उसका कुछ अता पता नहीं चला। तभी तो कहते हैं इंसान को थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए, बहुत ज्यादा की लालच अच्छी नहीं होती। मधुमती के दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊँ, मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है, तू उसको छोड़, मेरी छोटी बहू से मिल, संध्या। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही थी। एक दिन की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ, तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे है? नगरपालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर इल्लीगल है और जल्दी वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए, आखिर कोर्ट ने फैसला कर ही दिया। आप लोग का घर इलीगल है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही दिन विजय अजय के पास आया। भैया, मुझे कंपनी की ओर से एक फ्लैट मिला है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फ्लैट थोड़ा छोटा है, उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता था। उसने बिना कुछ बोले ही हामी भर दी और अगले ही दिन विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पे ले लिया और दूसरी ओर उसे जॉब से निकाल दिया गया। अजय बहुत ही बड़ी दुविधा में था। आप क्यों रो रहे हो? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही, एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, पर उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर किराया भी तो देना पड़ेगा ना, इतने सारे खर्चे कब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप बेच सकते हैं, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारे संकटों से बाहर निकल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। प्रज्ञा ने सारी बातें अपनी सास मधुमती को बताई। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुश्किल के समय हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। पर हम क्या खाने की चीज बेच सकते हैं, बाजार में तो सब कुछ पहले से बिकता है। हम कुछ ना कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे, चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो पहले से ही बिक रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दे? क्या मतलब? मतलब अपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी और मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे बेचें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और बहुत बिकेगा भी। सच्ची? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासुमा, चक्कर बताइए कैसा बना है?
मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े चाव से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बढ़िया, एक और मिलेगा। प्रज्ञा ने अपने पति और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। दीदी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा का मिश्रण, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो तूफान है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और ग्राहक प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय ग्राहकों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो पूछो माँ। सुबह से ग्राहक आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने दिनों बाद अजय और मधुमती के चेहरे पे मुस्कान आई थी। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगले दिन प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से पहले ही ग्राहक खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और ग्राहकों को देते जा रही थी। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक दिन की कमाई मेरे आधे महीने की पगार की इतनी है प्रज्ञा, सोचा नहीं था कि कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्द ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ ही उनका मुनाफा। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट दे दिया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुझे कम समझा है, ये सोचकर कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तू क्या है। तेरा हुनर और इच्छा पढ़ाई लिखाई से बढ़कर है बेटा। तू अजय की मदद करना चाहती थी और तूने कर दिया, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली बार उसे गले लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत। प्रवीण एक खिलाड़ी था। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाया करता था और लंबी दौड़ करने के बाद वो अपने खेल डिस्कस फेंकने की प्रैक्टिस किया करता था और उसकी ये प्रैक्टिस लगभग 1 घंटे तक चलती रहती। फिर दौड़ते हुए वो घर आता था और आते ही उसकी माँ उसके लिए प्रोटीन शेक ले आती। ये ले बेटा, बहुत थक गया होगा ना, इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो तुम? करने दो भाग्यवान, ये जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना अपना खेल में माहिर बनेगा और तभी तो ये बड़ा खिलाड़ी बनकर हम दोनों का नाम रोशन करेगा। राइट पापा। बेटा, तू अपना डाइट फॉलो तो कर रहा है ना? हाँ पापा, डाइट भी और कड़ी प्रैक्टिस भी। बहुत अच्छे, ऐसे ही अपने खेल पर ध्यान देना। चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। प्रवीण के मम्मी पापा अपने बेटे को बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि वो एक दिन उसे बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनाना चाहते थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद मुकेश को हार्ट अटैक आया और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर वो मुकेश की जान नहीं बचा पाए। पापा प्रवीण और मालती बेसहारा हो चुके थे। समय बीता और प्रवीण और मालती ने अपने आप को संभाल लिया। बेटा, वो तो नहीं रहे पर तुझे उनका सपना जरूर पूरा करना है, तुझे एक बड़ा खिलाड़ी जरूर बनना है। हाँ माँ, पर माँ। तू घर की चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं काम करके पैसे कमा लूंगी। नहीं माँ, आप नहीं, मैं काम करूंगा।
लेकिन अगर तू काम करेगा तो तेरा खेल। माँ, मैं सुबह प्रैक्टिस करूँगा और फिर दिन में काम करूँगा। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। पर तू क्या काम करेगा? आप पवन मामा से बात कीजिए, हो सकता है उनके ढाबे पर मेरे लायक कोई काम हो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। मालती ने अपने चचेरे भाई पवन को कॉल लगाया। हेलो। हाँ दीदी, बोलिए। पवन प्रवीण के लायक कोई काम हो तो बताना। दीदी, आप उसे कल ही ढाबे पर भेज दीजिए, यहाँ वो कुछ न कुछ तो सीख ही जाएगा। ठीक है। मालती ने फोन कट कर दिया। बेटा, कल ही मामा जी के ढाबे पर चले जाना, वो तुम्हें काम सिखाएंगे। जी माँ। अगली सुबह प्रवीण ढाबे पर पहुँचा। वहाँ वो अपने मामा जी से मिला। दीदी कैसी हैं? अम्मा ठीक हैं। जीजा जी का जाना एक बहुत बड़ा सदमा था। मामा जी, मैं माँ की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। अच्छी सोच है बेटा। मुझे तो कोई काम नहीं आता, आप अगर मुझे कोई काम सिखा दें तो बहुत मेहरबानी होगी मामा जी। बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू मेरा भांजा है, मैं तुझे काम भी सिखाऊंगा और पैसे भी दूंगा, चिंता मत कर बेटा। धन्यवाद मामा जी। पवन प्रवीण को ढाबे का काम समझाने लगा। फिलहाल तेरा काम है कस्टमर्स के ऑर्डर लेना और उन तक ऑर्डर पहुंचाना, और धीरे धीरे तुझे खाना पकाना भी सिखा दूंगा। ठीक है मामा जी। प्रवीण उसी दिन से ढाबे पर काम करने लगा। क्या ऑर्डर है सर? 2 पराठे और 1 बटर चिकन। मेरे लिए 4 पराठे और दाल मखनी। जी सर। प्रवीण ढाबे में वेटर का काम करने लगा। वो खुश था कि एटलीस्ट उसे कोई काम तो मिला। पहले की तरह रोज सुबह 5 बजे लंबी दौड़ पर जाता और फिर अपने खेल डिस्कस फेंकने की प्रैक्टिस करता, और फिर घर लौटकर काम पर जाने के लिए तैयार हो जाया करता था। बेटा, कम से कम नाश्ता तो करके जा। लाओ माँ। प्रवीण हड़बड़ी में नाश्ता खाते खाते निकल जाया करता था। हे भगवान, मेरे बेटे का सपना जरूर पूरा करना। मालती हर वक्त भगवान से अपने बेटे की सफलता की दुआ मांगा करती थी। यहाँ ढाबे पे प्रवीण पराठे बनाना भी सीख रहा था। ये तो आसान है। आसान तो है। प्रवीण जल्द ही पराठा बनाना सीख गया। वाह बेटा, पराठा तो बिल्कुल सही लग रहा है। पवन प्रवीण की प्रगति देखकर खुश था। अब से बीच बीच में प्रवीण पराठे बनाया करता था। कुछ ही दिनों में वो पराठे बनाने में एक्सपर्ट हो गया। वाह प्रवीण, अब तो तू एक्सपर्ट बन गया। सब आपकी ही सीख है भैया। अच्छा है। प्रवीण के मामा जी भी ये देखकर बहुत खुश थे। फिर एक दिन जब प्रवीण ढाबे में पहुंचा तो उसने देखा कि मामा जी बहुत परेशान हैं। क्या हुआ मामा जी? आज एक बावर्ची नहीं आया पराठे वाला। मामा जी तो क्या हुआ? मैं पराठा बना दूंगा। आज छुट्टी का दिन है, कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे। तू कस्टमर संभालेगा या पराठे बनाएगा? मैं दोनों करूंगा, आप देखते जाइए। प्रवीण को पता था उसे क्या करना है, पर उसके मामा जी चिंतित थे कि आज उनका दिन कैसा बीतेगा। खैर, दोपहर हो गई और ग्राहक आने लगे। जी सर, क्या लाऊं? मेरे लिए 4 पराठे और कढ़ाई पनीर। 3 पराठे और अंडा मसाला। मच्छी कड़ी और 4 पराठे। सारे ऑर्डर्स लेकर प्रवीण किचन में गया और पराठे बनाना शुरू कर दिया। उसने बड़े तवे पर पराठे सेकने डाले और फिर ये लीजिए सर, आपका कढ़ाई पनीर, आपका अंडा मसाला और आपकी मच्छी कढ़ी। अरे पर पराठे कहाँ हैं? अभी आ जाएंगे। प्रवीण वापस तवे के पास लौटा और वहाँ उसने तवे पर से पराठे निकाल के उसे सीधा कस्टमर्स की प्लेट में फेंका। ये देखकर कस्टमर हैरान हो गए और प्रवीण के लिए तालियां बजने लगी। ये तो फ्लाइंग पराठा है, वाह दोस्त। थैंक यू सर। फिर क्या था, प्रवीण तवे के पास खड़े रहकर ही पराठे फेंकने लगा। मामा जी भी बहुत खुश थे क्योंकि आज ग्राहक रोज से ज्यादा थे और कमाई भी ज्यादा थी। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे मशहूर हो गए। लोग लाइन लगाकर फ्लाइंग पराठा खाने आने लगे। मामा जी का मुनाफा बढ़ गया
और उन्होंने प्रवीण की पगार भी बढ़ा दी। प्रवीण के घर अब पैसों की कमी नहीं थी। ये लो माँ। जीता रहे बेटा। अब प्रवीण अपने खेल पर भी अच्छे से ध्यान दे पाता था। वो रोज प्रैक्टिस करता, डाइट फॉलो करता। ये ले तेरा प्रोटीन शेक और ये रहे तेरे सप्लीमेंट्स। थैंक यू माँ। भूलना मत, अगले हफ्ते तेरा कॉम्पिटिशन है। हाँ याद है। और फ्लाइंग पराठा फेंक कर वो सेलिब्रिटी शेफ भी बन गया था। लोग उसके साथ फोटो लिया करते थे। वो फेमस भी हो चुका था। उसके पास पैसे भी थे और वो मशहूर भी था। डिस्कस थ्रो के स्टेट लेवल चैंपियन है प्रवीण शर्मा। और धीरे धीरे वो अपने पापा का अधूरा सपना पूरा कर रहा था। प्रवीण के फ्लाइंग पराठे उसकी जिंदगी में नया मोड़ ले आए। ऐसा मोड़ जो सीधा उसे अपनी मंजिल तक ले जाएगा। प्रवीण एक दिन बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनकर रहेगा। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे, इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई कल हमने पिज्जा खाया, क्या पिज्जा था। मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का। और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा। अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है, बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है, समझ गए। रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी पिताजी, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए, अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू जिद मत करो, पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों कल मेरा जन्मदिन है, और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके। भैया हम भी आएंगे ना, हमें नहीं बोला आपने। नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ, समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो। वो पिताजी, बात ये है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात, कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे,
और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं है, पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा। इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई, जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं, क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया, घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया, वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे, चलो उठो। पिताजी मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है, वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है, वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए, और हाँ मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेच कर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी, सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है पराठा पिज्जा। हाँ ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है, लो तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है, ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा, ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी, पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी, पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया, सचमुच लाजवाब है, वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद, क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें, आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा, दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा, वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे। मनोज के दो बेटे थे, चिंटू और पिंटू। जहाँ चिंटू पढ़ाई लिखाई में होशियार और आज्ञाकारी था, वहीं पिंटू का दिमाग बस खेल कूद और मौज मस्ती करने में लगा रहता था। एक दिन पिंटू स्कूल से लौटकर अपने पिताजी से बोला, पापा एक खुशखबरी है, मैं फेल हो गया हूँ। क्या तुम फेल हो गए? तो ये खुशखबरी कैसे हुई? अब आपको मेरी नई किताबें खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, पुराने क्लास में पुरानी किताबों से ही काम चल जाएगा। हे ईश्वर, इस लड़के को थोड़ी बुद्धि देना,
पुरानी क्लास की फीस भी तो दोबारा भरनी पड़ेगी। माफ करना पापा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चिंटू पूरी क्लास में फर्स्ट आया है, उसने मेरा सर ऊंचा कर दिया। क्या तुमने कभी मेरा सर ऊंचा करने वाला कोई काम किया है? पापा कल रात ही मैंने आपके सिर के नीचे तकिया लगाया था, भूल गए क्या? एक दिन चिंटू पिंटू की माँ ने उनके पापा से कहा, हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग होता है। चिंटू का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, इसलिए उसे आगे पढ़ना चाहिए। लेकिन पिंटू की किताबों में कोई रुचि नहीं है, उसे व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा तभी वो जिंदगी में सफल हो पाएगा। ठीक कहा तुमने। मनोज ने पिंटू को बुलाकर कहा, पिंटू मैं तुम्हें 1000 रुपए दे रहा हूँ, इनके अलावा मैं तुम्हें पूरे साल कोई रुपए नहीं दूंगा। इस साल इन 1000 रुपए को इन्वेस्ट करके ही तुम्हें और पैसे कमाने हैं और पूरे साल का खर्च निकालना है। पिंटू 1000 रुपए पाकर खुश हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिर्फ 1000 रुपए से उसका पूरे साल का खर्चा कैसे चल पाएगा। पिंटू गांव में घूमने निकल गया। उसने एक किसान को खेत में काम करते देखा। हमारा भी तो एक खेत है जिसे पिताजी किसी काम में नहीं लेते, क्यों ना मैं उस खेत में कुछ उगाऊं और फिर बाजार में ले जाकर बेचूं। पिंटू बीज खरीदने बाजार गया। दुर्भाग्य से वह अर्जुन नाम के एक चालाक और बेईमान दुकानदार के पास पहुंच गया। दुकानदार ने पिंटू को नादान समझकर उसे बैंगन के बेकार बीज दे दिए। पिंटू ने जब बैंगन की फसल उगाई तो अंदर से सारे बैंगन सड़े हुए निकले। लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। इन सड़े हुए बैंगनों को तो कोई भी नहीं खरीदेगा। पिंटू ने बैंगनों को ऐसे ही छोड़ दिया और वह निराश होकर नदी के किनारे जाकर बैठ गया। पिंटू ने देखा कि गांव के कई लोग नदी पार करके दूसरे गांव जा रहे हैं और उन्हें नदी पार करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी में एक ही नाव है। पिंटू ने बचे हुए पैसों से एक नाव खरीद ली और लोगों को नदी पार कराने लगा। नदी पार कराने के काम में पिंटू को बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन कमाई बहुत कम होती। वह दिन भर में 100 भी नहीं कमा पाता। एक दिन जब वह अपने खेत पर वापस लौटा तो उसने देखा कि खेत के बैंगन हाथी जितने बड़े हो गए हैं। सड़े हुए लेकिन बड़े बैंगन, इनका मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्यों ना मैं इन बड़े बैंगनों से नाव बनाऊं? हो सकता है लोग बैंगन की नाव में घूमना फिरना पसंद करें। पिंटू ने एक बड़ी आरी का जुगाड़ किया और बैंगन को बीच में से काटा, फिर बैंगन के बीच के सड़े हुए बीज निकालकर फेंक दिए और बैंगन में बैठने की जगह बना दी। उसने जब बैंगन की नाव नदी में उतारी तो वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। पिंटू ने हर एक आदमी से बैंगन की नाव की सवारी के 200 वसूले। इस तरह वह एक दिन 1000 रुपए कमाने लगा। जब एक बैंगन पानी में गलकर बेकार हो जाता तो पिंटू खेत से दूसरा बैंगन ले आता और उसकी नाव बना लेता। सिर्फ नाव ही क्यों, बैंगन में अगर मैं एक झोपड़ी भी बना लूं तो इस नाव में ही रहने का इंतजाम भी हो जाए। पिंटू ने इस बार बैंगन को बीच से आधा ना काट कर पूरे बैंगन की इस तरह से कटिंग की कि बैंगन में नाव के साथ साथ एक झोपड़ी भी निकल आई। दूर दूर से लोग बैंगन के बोट हाउस का लुत्फ उठाने आने लगे। पिंटू ने अपने खेत के सभी बैंगनों के बोट हाउस बनाकर नदी में उतार दिए। पिंटू की कमाई लाखों में पहुंचने लगी। वाह पिंटू, तुमने साबित कर दिया कि भले ही तुम्हारा किताबों में मन नहीं लगता, लेकिन तुम एक काबिल इंसान हो। उधर वह दुकानदार जिसने पिंटू को बेकार बीज दिए थे, पिंटू की कमाई देखकर क्रोध से भर गया। दुकानदार अर्जुन एक दिन नकली सरकारी अधिकारी बनकर ब्लॉक के जल विभाग कार्यालय में घुस गया और उसने नदी पर बने डैम का पानी छोड़ दिया। नदी में बाढ़ जैसी आ गई और पिंटू के सभी बोट हाउस बह गए। अर्जुन जाकर पिंटू से बोला, क्यों छोटे कैसी रही, बाढ़ देखकर मजा आया? तो तुमने ही डैम का पानी छोड़ा था? हाँ मैंने ही छोड़ा था, और मैंने ही बच्चा समझकर वो सड़े हुए सारे बीज भी तुम्हें दे दिए थे। तुमने उन बीजों से बहुत पैसे कमा लिए, अब तुम उनसे कमाई नहीं कर पाओगे। तुमने मुझे बच्चा समझकर गलती कर दी। मैंने एक बड़े बैंगन के बीज बचा कर रखे थे,
इसलिए मैं बैंगन दोबारा उगा सकता हूँ। और मैंने तुम्हारी आवाज़ इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। तुमने अभी कबूल किया कि डैम का पानी तुमने ही छोड़ा था। पिंटू ने पुलिस स्टेशन जाकर अर्जुन की शिकायत कर दी। गैर आधिकारिक तरीके से पानी छोड़ने के जुर्म में अर्जुन को जेल हो गई। पिंटू ने अपने पास रखे बीजों से दोबारा बड़े बैंगन उगाए और उसका बोझ हाउस का काम दोबारा शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी फतेहगंज नाम का एक गांव था, जहां सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज तरबूज की खेती करता था। उसकी दो बेटियां थी, ज्योति और मालू। पिताजी, मालू ने बिना कुल्ला किए ही चावल खा लिए। पिताजी, इसने मेरा टूथब्रश अपने सड़े हुए मुंह में डालकर खराब कर दिया, इसलिए मैंने आज दांत नहीं मांजे। मुझे नया ब्रश लाकर दो। मालू बेटी, तुम अपना ब्रश अच्छे से धोकर साफ कर लो। ज्योति तुम्हारी बहन ही तो है, अगर उसने तुम्हारा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। इस बार तरबूज की खेती बहुत हल्की हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। कल मैं तरबूज बेचने मंडी जाऊंगा, देखते हैं इस बार कितने पैसे मिलते हैं। मंडी गांव से दूर शहर में थी। मंडी का ठेकेदार मोतीराम एक चालाक और कंजूस इंसान था, जो किसानों का शोषण करता था। इस साल मुझे बेटी की शादी करनी है, 10-12 लाख से कम खर्चा नहीं होगा। मुझे हर हालत में इस सीजन में मोटा प्रॉफिट कमाना है। हरिया, कुछ अपना दिमाग चला और बता, मैं कैसे किसानों से कौड़ी के भाव फसल हासिल कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि कुछ कमजोर किसानों के पैसे रोक लिया जाए, गरीब किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू क्या कहता है मालिक? अगर आपने किसानों के पैसे रोके तो वे अगली बार हमारे पास माल बेचने नहीं आएंगे, वे किसी और मंडी में चले जाएंगे। मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे मालिक। अगले दिन सूरज मोतीराम के पास अपनी तरबूज की फसल लेकर पहुंचा। सूरज, तुम्हारे खेत का तरबूज बहुत मीठा होता है। वैसे तो तुम्हारे 45,000 बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। सूरज ने पैसे अपने थैले में रखे और खुश होकर अपने घर लौटने लगा। ज्योति और मालू के लिए एक एक सूट का कपड़ा खरीद लेता हूँ और 2 नए टूथब्रश भी। सूरज अपने विचारों में मग्न था। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और सूरज का थैला छीन कर फरार हो गए। चोर, चोर, कोई पकड़ो मेरा थैला, चोर, चोर। दोनों चोर मोतीराम ने ही भेजे थे। इस तरह चालाकी से मोतीराम ने सूरज के तरबूज फ्री में हासिल कर लिए। सूरज रोता हुआ मोतीलाल के पास पहुंचा और उसने मोतीलाल को सारी बात बताई। तुम्हारे पैसे छिन गए तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें पूरी रकम दी थी। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। 2 तरबूज उठा लो और जाओ यहाँ से। आज भर के लिए तुम्हारे परिवार का खाने का इंतजाम हो जाएगा। सूरज बेचारा हाथों में तरबूज लिए रोता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते में एक महात्मा आ रहे थे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम इस तरबूज मुझे दे सकते हो? सूरज ने एक तरबूज महात्मा को दे दिया। सूरज की आंखों में आंसू देखकर महात्मा उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने सूरज को आशीर्वाद दिया। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूरज और उसकी बेटियों के लिए वह साल बहुत कष्टकारी रहा। पैसों के अभाव में उन्होंने सिर्फ चटनी और रोटी खाकर काम चलाया। पिताजी, मुझसे और चटनी रोटी नहीं खाई जाती। बेटा, जब तक अगली फसल नहीं उग जाती, हमें धैर्य रखना होगा। आखिरकार किसी तरह 1 वर्ष बीत गया और सूरज के खेत में नई फसल आ गई। ज्योति ने एक दिन एक तरबूज काट कर देखा तो वह चिल्ला पड़ी। पिताजी, मालू, यहाँ क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? तरबूज में सोने का बॉल है। सूरज और उसकी बेटियों ने खेत के बाकी तरबूज काट कर देखे। उन सभी में सोने की बॉल निकली। ये सब उन महात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। सूरज तरबूज में निकले सोने की वजह से बहुत अमीर हो गया। हरिया ने ये सारी बात मोतीराम को बताई। मालिक,
सूरज अब आपसे ज्यादा अमीर हो गया है। उसके खेत में लगे तरबूजों में सोना निकल रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि किसी महात्मा के आशीर्वाद से ये सब हुआ। चिंता मत करो, अगले साल जब उसके तरबूज आएंगे तो उसके तरबूज काटने से पहले ही हम तरबूजों से सोना निकाल लेंगे। अगले सीजन में जब सूरज के खेत में तरबूज उगे तो एक रात मोतीलाल अपने नौकर के साथ कच्चे तरबूज ही काटने पहुंच गया। उसने अपनी नौकर के साथ मिलकर तरबूजों का सोना निकाल लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्योंकि सूरज पुलिस को खबर कर देगा तो हमारे घर सोना पकड़ा जाएगा। नदी पार मेरी मौसी का घर है, वहीं चलते हैं। लेकिन मालिक, इतना बोझ लेकर नदी कैसे पार करेंगे? अरे उस नदी में बहुत कम पानी है, इतना क्यों डरता है? मोतीराम और हरिया अपनी पीठ पर भारी भरकम सोने का वजन लादकर नदी पार करने लगे। संयोग से उसी समय नदी के डैम से पानी छोड़ दिया गया। नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। पीठ पर ज्यादा वजन होने के कारण मोतीलाल और उसका नौकर नदी में डूबकर मर गए। किसी ने ठीक कहा है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं।